तो आज हम लोग खेलने वाले हैं शेडो फाइट 2 एंड इसके अंदर जैसा मुझे हमारा हो चुका है लेवल नंबर 33। हम लोगों ने कैसे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्रेस कर रखी है, जानकारी मैंने यहाँ पर वेपन भी खरीद रखा है, मैंने यहाँ पर चेस्ट प्लेट भी यहाँ पर खरीद के रखे हैं, हम लोगों ने कहा यहाँ पर अच्छे अच्छे यहाँ पर मूव्स भी मैंने यहाँ पर सीख के रखे हैं एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग को हराना है शोगन के सेकंड बॉडीगार्ड को। सबसे पहले गैस मैंने यहाँ पर हैवी ननचाकू गैस यहाँ पर खरीद के रखे थे, मेरे पास एक ननचाकू था लेकिन गैस ये हैवी वाला है, ज्यादा ताकतवर है। मैंने किसी चेस्ट प्लेट खरीद के रखा था जिसका नाम है स्किल ब्रेस्ट प्लेट, फिर मेरे को यहाँ पर हेलमेट लेने के पैसे ही नहीं थे, यहाँ पर पैसे ही नहीं इतने ज्यादा पैसे लोग यहाँ पर मांग रहे हैं, मुझे इसको यहाँ पर एकदम अच्छे से अपग्रेड करना है, मुझे वाटर बॉल को भी अपग्रेड करना है। देन गाइस हम फिर से यहाँ पर ईगल आई को लर्न करके रख लेते ताकि हमारी ताकत फिर से यहाँ पर बढ़ती रहे। तो हमारा शोगन का सेकंड बॉडी कार्ड है यहाँ पर नॉर्मल डिफिकल्टी भी, यानी कि वो थोड़ा ज्यादा आसानी से यहाँ पर मर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कॉर्पोरल फिर से यहाँ पर वापस आ चुके, कॉर्पोरल को तो मैं यहाँ पर हरा चुका लेकिन यहाँ पर बोल रहा है लुक कैप्टन देयर ही इज जस्ट एज आई सेड द प्रिंस हैज रिटर्न फ्रॉम द ग्रेव। ओके, तो कॉर्पोरल कैसे यहाँ पर बोल रहा है कि मैं ग्रेव में से यहाँ पर लौट के आया हूं क्योंकि मेरे सबसे लोगों ने यहाँ पर प्रिंस को मार दिया है। ओके, तो ये है गाइस कैप्टन, ये बोल रहा है कावर्ड आई शुड हैव हैंग्ड यू लॉन्ग अगो स्टेप असाइड सो दैट आई मे डील विद द बैगर एंड प्रूव ही इज नो प्रिंस। तो मेरे हिसाब से कैसे एक प्रिंस था जिसको कैसे उन लोगों ने यहाँ पर कैसे मार दिया, एंड उसको कैसे उसको मारने के बाद इन लोगों को लग रहा है कि मैं अभी वो प्रिंस हूँ जो कि यहाँ पर लौट के आया, इन लोगों को यहाँ पर मारने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी कैसे हम लोगों को लड़ना है ये कैप्टन नाम के बंदे से। वैसे तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट बॉडीगार्ड को हरा था लेकिन अभी मुझे जानना है कि प्रिंस कौन है जिसको इन लोगों ने कैसे मार दिया, इन लोग कैसे मुझे यहाँ पर प्रिंस क्यों समझे। तो कैसे अभी हम लोग हराना है कैप्टन को, ये कैप्टन अमेरिका तो नहीं है लेकिन इसका नाम है कैप्टन। तो राउंड नंबर वन अपना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, इसके हाथ में गाइस अब ये दो हाथ वाली है तलवार इसके पास होने वाली जो कि गाइस मेरे सबसे इतना ज्यादा इसके काम पे नहीं आने वाली, लेकिन गाइस अपने पास ये होने वाले यहाँ पर हैवी वाले ननचाकू जो कि गाइस एकदम बहुत ज्यादा यहाँ पर ताकतवर होने वाले है। वैसे कहते गए तो मैं यहाँ पर ननचाकू पहले भी चला चुका हूँ, सही बता तो ये ननचाकू गाइस मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से यहाँ पर चलाने आते हैं लेकिन गाइस ये मुझे यहाँ पर अच्छे से मारने की पूरी यहाँ पर कोशिश कर रहा है लेकिन हम लोग यहाँ पर ज्यादा आसानी से तो हारने वाले नहीं है। वैसे गाइस मुझे लगता है कैप्टन को पता होगा कि गाइस हम लोग यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल है बिकॉज हम लोग यहाँ पर पांचों बॉस को यहाँ पर हरा दिया, बिकॉज शोगन है जो कि आखिरी बॉस है इसको भी हराना है, यहाँ पर कैप्टन भी गाइस बस यहाँ पर हारने ही वाला है, मैंने यहाँ पर वाटर बॉल फेंका एंड कैप्टन हार गया। राउंड नंबर टू अपने यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो जो बैकग्राउंड में जो आग जली उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर खेलने में थोड़ी सी यहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है बिकॉज आग जल रही है तो मेरा ध्यान सिर्फ आग पे ही जा रहा है, कैप्टन पे नहीं जा रहा है। एंड ये जो अपना शेडो है यहाँ पर ढीले चले कर रहा है, मैं क्या बताऊँ ये इसने यहाँ पर फर्स्ट स्ट्राइक गए यहाँ पर कैप्टन है, दोनों राउंड में गए यहाँ पर फर्स्ट स्ट्राइक कैप्टन नहीं मारा, हम लोग यहाँ पर नहीं मार पाए फर्स्ट स्ट्राइक, लेकिन अभी कोशिश करेंगे हम लोग फटाफट से इसको हराने की बिकॉज जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर बॉडी गार्ड को हराते जाएंगे वैसे जैसे हम लोग यहाँ पर जीत सकते हैं, एंड मैंने यहाँ पर कैप्टन को भी हरा दिया। ओके, तो अभी कैप्टन बोल रहा है मर्सी ओ प्रिंस आई विल लीव दिस सिटी, आई विल नेवर टेक अप अ वेपन अगेन, ओनली स्पेयर माय वर्थलेस लाइफ प्लीज माय लॉर्ड। ओके, तो कैसे कैप्टन नाम का बंदा अभी मुझे यहाँ पर ये प्रिंस ही समझ रहे हैं, ये बोल रहा है कि यहाँ पर सिटी को लीव कर देगा अगर मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ये अपना वेपन यहाँ पर कभी भी वापस नहीं उठाएगा लड़ने के लिए। कि मैं बोल रही है आप प्रिंस हाँ हैव यू बीन कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम अस, अरे भाई मैं कोई यहाँ पर सीक्रेट नहीं छुपा रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर प्रिंस तो हूँ नहीं यार, जो अपना शेडो यहाँ पर प्रिंस है नहीं, लेकिन ये मुझे बार बार प्रिंस क्यों बोल रहे हैं। ओके, तो अपने सेंस से बोल रहे हैं नो दिस इज ऑब्वियसली अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी बट इफ दे फियर हिम इट इज ऑल द बेटर। ओके, तो गाइस अपने सेंस है वो यहाँ पर गाइस मेरी यहाँ पर साइड ले रहे हैं कि गाइस ये बोल रहे हैं कि गाइस अपन प्रिंस तो वैसे तो है नहीं, और गाइस ये लोग गाइस मुझे गलती से यहाँ पर प्रिंस समझ, इसका मतलब कि ये जो प्रिंस था वो यहाँ पर शेडो की तरह दिखता था। ओके, तो अपने डुअल्स भी गाइस यहाँ पर खुल चुके हैं, तो अभी तक गाइस मैं यहाँ पर शोगन के दो बॉडी कार्ड्स को हरा चुका हूँ, गाइस दोनों ने यहाँ पर गाइस मुझे यहाँ पर प्रिंस ही कहा, तो गाइस मुझे नहीं पता कि यहाँ पर प्रिंस को गाइस इन लोगों ने यहाँ पर मार दिया बिकॉज जो दूसरा वाला बॉडी कार्ड था उसने बोला था कि उसने यहाँ पर प्रिंस को मार दिया है। एंड स्टार्टिंग में गाइस कॉर्पोरल ने बोला था कि गाइस जो प्रिंस वहाँ पर ग्रेव में से वापस आया, गाइस जो मैं हूँ यहाँ पर ग्रेव में से गाइस वापस आया, इन लोगों से यहाँ पर बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि जो अपना शेडो यहाँ पर प्रिंस तो है नहीं, तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि आगे जाके मिस्ट्री सॉल्व होती है या फिर नहीं। अगर आप लोगों को देखना है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हास्टा ला वीस्टा।